हे गाइस, तो आज ना हम लोग जा रहे हैं एक पार्टी में, जिसके लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हूँ और मम्मी हो रही है तैयार। और मम्मी को तैयार करने में मैं सबसे ज्यादा हेल्प करती हूँ, क्योंकि मम्मी को उतना मेकअप आता नहीं और मुझे बहुत अच्छे से आता। वैसे जब हम लोग वेन्यू पे पहुंचे ना, तो वेन्यू इतना सुंदर सजाया हुआ था लाइटिंग्स के साथ कि हम सभी के मुंह से तो एक ही चीज निकली, वाओ। और यहीं से हम लोग की तो एक्साइटमेंट बढ़ गई कि भैया बाहर इतना सुंदर है तो अंदर कितना ज्यादा सुंदर होगा। और एज एक्सपेक्टेड अंदर भी बहुत ही सुंदर तरीके से पूरा का पूरा ये जो लॉन है इसको सजाया गया था। और तो और यहाँ पे बहुत तरीके की आइटम्स थी खाने पीने के लिए, और यहाँ पे आप देखिए कितने सारे ड्रिंक्स हैं, इनफैक्ट शेक्स भी हैं। इसीलिए मैंने तो भैया सबसे पहले पिया स्ट्रॉबेरी शेक, जो कि मेरा फेवरेट है। ये वाला शेक मैंने मम्मी को भी ट्राई करवाया, लेकिन मम्मी तो कॉफी खोज रही थी, बिकॉज इतनी ठंड में कॉफी पीने का तो मजा और ही होता है। यहाँ पे इतनी तरीके की ड्रिंक्स थी ना कि हम सभी ने अलग अलग ड्रिंक्स ट्राई की, और उसके बाद फिर सब कुछ रख रखा के हम लोग गए आगे। मम्मी ने क्योंकि कुछ नहीं लिया था, क्योंकि उन्हें कॉफी पीना था, इसलिए भाई हम तो ढूंढने लगे कि भाई कॉफी कहाँ है। फाइनली वो मिल ही गया, और पता है पार्टियों के जो कॉफीज होते हैं ना वो अलग ही टेस्ट करते हैं, इतने ज्यादा अच्छे। ऊपर से उसमें जो कोको पाउडर छिड़कते हैं ना, वो तो बहुत बेस्ट लगते हैं मुझे। भाई हम लोग किसी भी फंक्शन में जाए ना तो बहुत हैवी कपड़ा पहन के जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इधर उधर ज्यादा नहीं कर पाते, इसीलिए मोस्ट ऑफ द आइटम्स पापा टेबल पे ही लाके दे देते हैं हमको। और ये वाली पार्टी में खाने की इतनी वैरायटी थी, कि मैं क्या बताऊं, नॉर्थ इंडियन से लेकर के साउथ इंडियन सब कुछ अवेलेबल था। और स्टार्टर्स में तो इतनी वैरायटी थी, कि मैं क्या बताऊं। और ये देखिए यहाँ पे हमारे ईशान बाबा दो टूथपिक को पकड़ के एक छोटा सा टुकड़ा खाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खा नहीं पाया, आखिर गिर ही गया उससे। शुरुआत में हमने थोड़ी सी पेट पूजा की, थोड़ा सा स्टार्टर्स वाटर्स अच्छे से एंजॉय किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी थी, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सब कुछ ला रहे थे और हमने सब कुछ ट्राई किया ऑलमोस्ट। उसके बाद फिर हम लोग चले गए सेल्फी पॉइंट्स ढूंढने के लिए, क्योंकि भाई जितना खाना खाना एक फंक्शन में इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही सेल्फीज लेना भी। और ये लॉन इतना बड़ा था ना कि यहाँ पे कम से कम 3 से 4 सेल्फी पॉइंट्स थी, और मैंने तो हर जगह जाके भाई सेल्फीज खिंचाई है ढेर सारी। अगर आपको देखना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। भाई यहाँ पे ना सब लोग अपना अपना फोटो खींच रहे थे, मेरे फोटो खींचने के लिए कोई था ही नहीं, इसलिए मैंने क्या किया पता है, मैंने ना अपना कैमरा का स्टैंड खोला, उसमें अपना फोन लगाया और मैंने खुद के फोटो खींचे। भैया ऐसे ही होता है फंक्शनों में, सब अपने अपने फोटो खिंचवा लेते हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती तो कोई खींचने वाला नहीं होता, इसलिए मैंने तो सबसे बेस्ट उपाय लगाया है। और यहाँ मैंने डुगो की फोटोज क्लिक करने के लिए उसे बोला कि तुम पत्थरों पर थोड़ा चढ़ जाओ, और ये देखो इतना डरपोक के ऊपर जा ही नहीं रहा छिपकली के मारे, लेकिन फाइनली किसी तरह वो डरते डरते गया और उसकी भी हमने फोटोज क्लिक कर ली। ये वाली पार्टी ना कोई शादी पार्टी या फिर रिसेप्शन या फिर एंगेजमेंट नहीं थी, एक्चुअल में ये एक आशीर्वाद समारोह था, जिसके लिए अभी दूल्हा दुल्हन स्टेज पे आ गए हैं और सबके साथ फोटोज क्लिक करवा रहे हैं। हमने तो फोटो क्लिक करवा लिया, इसलिए हम चलते हैं अब मेन कोर्स की तरफ। फोटोज के चक्कर में यहाँ वहाँ जाते जाते पेट में थोड़ी जगह बन गई, इसलिए हमने तो मेन कोर्स भी दबा के खाया। यहाँ देखिए मम्मी साउथ इंडियन खा रही है, पापा नॉर्थ इंडियन खा रहे हैं। मतलब कभी कभी मैं सोचती हूँ क्या जोड़ी है मम्मी पापा की, एकदम अपोजिट। खाना खाने के बाद फिर टाइम आया डेजर्ट का, और डेजर्ट में भी इतने सारे ऑप्शन थे ना, ये देखिए अभी मैं खा रही हूँ राजभोग, जो कि इतना ज्यादा टेस्टी था ना, मैं क्या बताऊँ भाई, एकदम लाजवाब था ये राजभोग। इतना सब चीज ठूसने के बाद भाई पेट में जगह तो नहीं थी, लेकिन दिल में एक अरमान जरूर था कि एक कुल्फी जरूर खा ले, क्योंकि ठंड के टाइम में देखो कुल्फी या आइसक्रीम खाने का ना मजा ही कुछ और होता है। इसलिए हम सभी ने मस्त कुल्फी इंजॉय की, ये भी बहुत टेस्टी थी बाय द वे। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए, क्योंकि भाई ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, बिकॉज रात के 10 बज गए थे और इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी ना, मैं क्या बताऊं, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर का जितना भी खून है सब जम गया हो। इसलिए तो भाई मैं भागे भागे गई गाड़ी की तरफ, और गाड़ी में बैठ के तुरंत मैंने हीटर चला लिया, क्योंकि भाई अगर मैं हीटर नहीं चलाती ना तो अभी तक तो मैं जम गई होती। और ये देखिए फॉग के कारण हमारा विंडशील्ड कितना ज्यादा धुंधला धुंधला हो गया है, ऐसे में तो गाड़ी चला नहीं सकते और चलानी चाहिए भी नहीं, बहुत डेंजरस होता है, इसलिए पापा ने फटाफट से इसको साफ कर दिया और हम निकल गए वापस घर की ओर। फाइनली हम वापस आ चुके हैं घर पे, और बहुत मजा आया, बहुत बड़ी पार्टी थी एंड बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। तो मिलते हैं फिर से बहुत ज्यादा अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।